हे गाइस, वेलकम टू पॉक्समैन ब्रिलियंट डायमंड। एंड आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग कुछ स्पेशल करने वाले हैं, मतलब कि हाँ, ये एक स्पेशल एपिसोड होने वाला है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरे जो अपने जो मैचेस है सबका रिकैप देखने वाले हैं, एंड साथ ही साथ उनमें से अपने बेस्ट पॉक्समैन को फिगर आउट करने वाले हैं। यानी कि हम लोग रिकैप तो देखेंगे अपने हर जिम मैचेस का, लेकिन वो रिकैप देखने के बाद हम लोग हर जिम में से अपने बेस्ट पॉक्समैन को फिगर आउट करेंगे कि इस पॉक्समैन ने उस जिम के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया था। तो यार, लेट्स सी वो 8 बेस्ट पॉक्समैन कौन से होते हैं, या फिर वो 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं यार, वो भी देखते हैं। रॉक, हम लोग आ चुके हैं। वेलकम, दिस इज द ऑल बग पॉकीमोन जिम। मैच पंच में यूज करता हूँ फिलहाल, तो देखते हैं भाई ये क्या कर सकते हैं। ओके, अच्छा मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है। पहले हम लोग पावर अप पंच यूज करेंगे, एंड उससे क्या होगा कि हम लोग की अटैक रोज होगी, एंड उसके बाद हम लोग मैच पंच यूज करेंगे। ओके, हम लोग ये कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो मैच पंच यूज करूंगा तो वो फेंट हो जाएगा। चलो देवी को, भाई पहला पॉकीमोन कितने इजीली हम लोगों ने फेड कर दिया। मुझे कहा ये मैच बहुत टफ होगा, लेकिन भाई कुछ घंटा टफ है ये तो। चलो ये बहुत सी बात है, जियोडूड लेवल 8 का। यार जियोडूड सॉरी, लेकिन मैं तुझे अपनी टीम में रखूंगा नहीं। ओके, यहाँ पे ऑनिक्स क्या यूज करेगा भाई, कोई रॉक टाइप मूव जहाँ तक मुझे उम्मीद है। रॉक थ्रो, फेंड मत हो जाना भाई, कोई डैमेज नहीं हुआ इसको। नाइस, मैच पंच, देयर वी गो। भाई कितना इंटेंस पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, और यार ये क्या हो रहा है। ऑनिक्स गया अपना बेचारा, लेकिन चलो उसका लास्ट पॉकीमोन है कि इतना इजी होगा जिम मैच, मैंने सोचा भी नहीं था। ऑलराइट भाई, ये बहुत इजी जिम मैच किया मेरे लिए अभी तक। तो सुपर जीरूट तो फालतू में लेवल अप हो रहे। उधर कार्नेडोस इसके बेस्ट पॉकीमोन है। थिंक यू कैन टेक डाउन द नेक्स्ट पॉकीमोन। कार्नेडोस आ चुके हैं, उसका बेस्ट पॉकीमोन है। अब थोड़ा सा सस्पेंस वाला माहौल, लेकिन पहले पावर अप पंच, फिर मैच पंच। ये स्ट्रैटेजी अभी तक मैं यूज कर रहा था। ओ शिट भाई, क्या हो गया ये, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये होगा। वन हिट नॉकआउट भाई, पहला जिम मैच हम लोगों ने जीत लिया है। यार लाइक मारो इसके लिए, क्योंकि ये बहुत इजी था वैसे तो। जो यार जिम लीडर्स, फाइनली हम लोग बैटल करने का टाइम आ चुका है। यहाँ पे गार्डियन का जिम लीडर है, एंड इसको मेरे ख्याल से मैं डिफीट तो कर ही दूंगा। आई एम डैम श्योर ये होने ही वाला है। चेरूपी भेजे है इसने, चेरूपी भेजे है। ओके, चेरूपी भेजे या कुछ भी भेजे, मैं इसको, तुम्हें भी पता है यार मैं डिफीट करने वाला हूँ। चलो फ्लेम व्हील हम लोग यूज़ करते पहले, तो ताकि ये वन हिट हो जाए। यार होना है इसको वन हिट, ये बात। एंड चलो सुपर इफेक्टिव, बहुत अच्छी बात है ये तो। भाई मैं स्विच क्यों करूँगा, यहाँ पर टर्ट पिक भेजा है इसने। टर्ट पिक लेवल 19 का है इसका। ओके, अच्छे लेवल है देखा है तो इसका भी। सारे मेरे पास इफेक्टिव मूव है, लेकिन सुपर इफेक्टिव मूव ही क्यों ना यूज़ किया जाए। एक और फ्लेम व्हील, और हम लोग इससे भी डिफीट करेंगे इसको, ये बात। भाई इसका लास्ट पॉकेट मेरे ख्याल से होगा, ये शायद से रोज रेड होते हैं, रोजेलिया होता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ बस। ओके, रोज रेड भेज रही है ये, रोज रेड शायद से थोड़ा टफ हो सकता है, बट यार देखते इसका फाइनल इवॉल्व फॉर्म है। यार कम ऑन, यहाँ पे मैं डिफीट कर सकता हूँ। स्टेंस पोल पैरालाइज करेगा ये तो मुझे, मेरे पास शायद से पैरालाइज हील होगा भी, मैं यूज़ कर लूँगा इसको। ओके, पैरालाइज हो गया यार, फिर भी ये यूज़ करें अपना मॉनिफोलो, भाई कमाल का है। चलिए वन हिट नहीं हुआ, लेकिन कम ऑन हम डिफीट कर सकते हैं इसको भी। मैं एम्बर यूज़ करूँ क्या, या फ्लेम व्हील, फ्लेम व्हील ही यूज़ करता हूँ। चलो हम डिफीट कर सकते हैं इसको। बैटल ब्लिज़र्ड, इसके स्पीड ज़्यादा है हम लोगों से, यार ये थोड़ा टफ हो सकता है, बट यार इसका टफ नहीं होना चाहिए, और शायद से मैं डिफीट कर दूंगा शायद से। एंड या देखो भाई, यार हम लोग डिफीट कर दिया अपना सेकेंड जिम बैच, मतलब 4 एपिसोड में 2 जिम बैच, नॉट दैट बैड यार, अच्छा ही खेल रहा हूँ मैं देखा जाए तो। मैच की अब बारी आ चुकी है, मैंने अपने पॉकीमोन से कुछ मूव्स भाई वेरिएशन किए मूव्स में, बट एनीवेज यार जिम मैच करे हम लोग पहले तो। ये भाई मैं बहुत ही यहाँ पैनिक हो रहा था इसके लुकारियों के कारण। यार स्मूथ देखो एनिमेशन कितना है यहाँ पे। ओके, इसका फर्स्ट पॉकीमोन कौन आ रहा है, मैटीटाइट है। मेरे पास स्टाराविया है, तो मैंने अपने स्टाराविया से मैटीटाइट को बहुत बार वन हिट किया है, क्या मैं इस बार भी कर सकता हूँ भाई, वो देखने वाली बात है। मैं सभी के सभी मैटीटाइट को वन हिट किए किया है, अब यार देखते हैं क्या होता है। एरियल इसमें यूज़ करा है इसके सामने, भाई चलो देखते हैं। देयर वी गो भाई, वन हिट ये बोलते हैं ना, ये बात। अब उसका नेक्स्ट पॉकीमोन भाई कौन सा आएगा वो देखने वाली बात है। इसका नेक्स्ट पॉकीमोन आ रहा है मचो, मैं स्विच नहीं कर रहा भाई, अपने स्टाराविया भी मैंने सब कुछ छोड़ दिया भाई, वही जो करेगा करेगा। एरियल एस, चलो देखते क्या होते हैं एरियल एस से भाई। बिल्कुल रेड जोन पे आ चुके हैं उसका एचपी, चलो कोई बात नहीं। नहीं यार ये नहीं यूज़ करना था इसको, कोई बात नहीं, अपना डिफेंस फेल हुआ होगा मेरे ख्याल से, स्पीड फेल हुआ अपना। ये प्रॉब्लम है भाई, ये हाइपर पोशन यूज़ कर ले भाई, लेकिन नहीं, मैं ये चाहता था ये हाइपर पोशन यूज़ करे ताकि लुकारियों के सामने ये हाइपर पोशन यूज़ ना करे। इसके पास एक हाइपर पोशन रहता है, उससे भाई मैं कुछ जाहिर पैनिक हो रहा था, बट अब तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मॉनफर्नो लेट्स गो यार, तेरे पे अब सब कुछ है।
ओके ये एंड नहीं है, मुझे ये पता है दोस्त, लेकिन चलो लुक आर यू यार, कम ऑन, इसको मैं डिफीट कर दिया फिर भाई, भाई कुछ भी हो सकता है, कम ऑन। यहाँ पे मैं एक्स अटैक एक्स डिफेंस होगा ना मेरे पास, मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको, आई डोंट केयर भाई, मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको भाई, कुछ भी हो जाए मुझे अपने अटैक रूज करवाने हैं और मुझे डिफीट करना है उसको कुछ भी करके। ये देखो लुकालियो की तैयारी में, लेकिन मैं भी कम थोड़ी ना हूँ, मैं भी तैयारी में हूँ। नहीं, एक एच पी पे सर्वाइव किया है भाई, एक एच पी पे, कम ऑन मॉनफर्नो, यू कैन डू इट मॉनफर्नो, कम ऑन, मुझे इस पर बहुत उम्मीद है मॉनफर्नो पे, ये बहुत ही सिनेमैटिक हो जाए इसने डिफीट कर दिया तो, कम ऑन। ओह ओह शिट भाई, ये क्या हुआ यार, बहुत ही अच्छे अपने मॉनफर्नो एक एच पी पे सर्वाइव किया है यार, एक एच पी पे सर्वाइव किया अपने मॉनफर्नो, एंड उसने जिम लीडर को डिफीट कर दिया, एंडिंग बहुत ही एपिक हुआ मेरे ख्याल से। ये कितना डेंजरस लग रहा है देखने में यार, हम लोग हर एपिसोड में एक एक जिम लीडर को फाइट कर रहे हैं, ये बहुत ही अजीब बात है, लेकिन यार ये बहुत ही अच्छी बात भी। एक अब एक तरीके से देखे तो गैरोस का फर्स्ट पोकेमोन है, ऑलराइट भाई, लेवल तो इसके अच्छे होंगे आई एम डैम श्योर। चलो यार लग से अपने सामने आया है, इसके कम से कम लेवल 35 के पोकेमोन होंगे इसके लास्ट वाले, जहाँ तक मुझे लगता है। गैरोस फास्ट हम लोगों से भाई, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, थंडर शॉक मारते पहले तो, और थंडर शॉक से ऑलमोस्ट फेंट था, कम ऑन यार, एक और अटैक हम लोग फेंट कर देंगे। ओके लग से यूज स्पार्क और फेंटेड भाई, ये तो हो नहीं था। इसका नेक्स्ट पोकेमॉन लेट्स सी भाई कौन होता है, मेरे को ब्लाइंड फोल्ड होकर खेल रहा हूँ ऐसा मुझे लग रहा है, बट कोई बात नहीं, अभी भी हम लोग वीडियो पे भरोसा है मुझे। मैं एब्जॉर्ब भी यूज़ करता हूँ, स्ट्रैटेजी के साथ में नहीं जा रहा फिलहाल तो। यार डैमेज इसको नहीं हुआ ज़्यादा, बैटल को फेयर रखना, बट फिर भी हम लोग फास्ट है भाई, ये देखो क्वैक्सर भी फेंटेड है भाई, बहुत ही इजीली हम लोग डिफीट कर देंगे इसको, मुझे ऐसा लग रहा है। कम ऑन लेट्स गो भाई, लेट्स गो, हम लोग जीतने वाले हैं भाई, लाइक करो इसके लिए, क्योंकि हम लोग भाई अपना फोर्थ जिम मैच जीतने वाले हैं बहुत ही इजीली भाई, फोर्थ या फिफ्थ एक्चुअली, हाँ फोर्थ ही जीतने वाले हैं, अभी जीता नहीं है लेकिन मेरे को उम्मीद है ये जीत जाएंगे हम लोग भाई, फेंट मत हो जाइए बस, कम ऑन थंडर शॉक, और मेरे ख्याल से गेम खत्म, गेम नहीं खत्म नहीं हुआ, एक और मूव और फिर गेम खत्म। दिस इज वियर, इट गेट्स एक्साइटिंग भाई, घंटे एक्साइटिंग, मैं हारने वाला हूँ तेरे को, ब्राइन यूज करा भाई, कुछ नहीं होने वाला ब्राइन से, ओ ओ ओ ओ भाई होने वाला है ब्राइन से, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। चलो मैं ब्यूटी को ही निकालता हूँ वापस, एक एब्जॉर्व और मेरे ख्याल से कहानी खत्म है यहाँ पे भाई, ऐसे ही होना चाहिए। आइस फैंग नो भाई, नहीं यार इसके पास मूव्स अच्छे है, इसका मूव सेट अच्छा है। अब मैं थोड़ा आउट में इसको यूज करूँ, मैं अपने मॉनफर्नो को निकाल रहा हूँ भाई, पता नहीं क्यों मुझे मॉनफर्नो बहुत भरोसा रहता है, मॉनफर्नो ऐसा सिचुएशन से हम लोग को बहुत बार निकाला है। मैक पंच यूज़ करते हैं हम लोग भाई, यही सबसे पहले यूज़ होता है, और देवी को हम लोग के पास अपने फोर्थ, नहीं यार ये क्या हुआ, वो एक एच पी पे सर्वाइव कर गया था, इसके पॉक्यूमेंट्स भी अच्छे थे, लेकिन हम लोग डिफीट कर दिया फाइनली, और हम लोग के पास फाइनली अपना फोर्थ जिम बैच आ चुका है। यार अगर ऐसा चलता है तो मैं बिल्कुल 14 एपिसोड के अंदर गेम खत्म करने वाला हूँ। ना हम लोग आ चुके हैं बैटल करने, एक्चुअली ये बहुत ही इजी जिम बैटल हो सकता है। ओहो ओहो ओके फाइनली यू हैव अराइव्ड, लेट्स गो वर्सेस फैंटीना, फैंटीना अपने जिम लीडर आ चुकी है हम लोग सामने, इसके पास 3 पोकेमॉन होंगे, मुझे क्यों लगता है मैं इसको बहुत ही इजीली डिफीट करूंगा। ड्रिफ्लिम में इसके पास फर्स्ट पोकेमॉन, इसके सामने हम लोग कुछ भी मूव यूज कर सकते हैं, सब इस पे इफेक्टिव ही पड़ेगा, मैं थीफ चूज कर रहा हूं, चलो देखते हैं क्या होता है। स्ट्रेंथ सैप, उसकी स्पीड ज्यादा है भाई, ये तो प्रॉब्लम है, फिर थीफ यूज़ करते हैं इसके ऊपर, इस पर यार डैमेज नहीं हुआ ज़्यादा। एक और स्पार्क यूज़ करते हैं, और भाई ड्रिफ्लिम गया, नाइस सही बात है यार ये भी। और यहाँ पे आएगा गेंगार, स्विच हम लोग नहीं करेंगे एक्चुअली, और गेंगार को आए देते हैं, गेंगार पर हम कोई डार्क टाइप मूव यूज़ करेंगे, मुझे लगता है कि गेंगार 1-8 होगा, बट यार देखते हैं। मैं बाइट यूज़ करता हूँ इसके सामने, स्लज बॉम्ब यूज़ कर रहा है, ओ शिट भाई ये प्रॉब्लम है, फिर तो बाइट यूज़ करते हैं, और उससे एक्चुअली कुछ नहीं हुआ सुपर इफेक्टिव होने के बावजूद। ओके मैं पोकेमॉन यहाँ पे स्विच कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं गैरोस को निकाल रहा हूँ फिलहाल तो, मैं फिर लक्ष्य को भी हील करूंगा अभी। क्या वो फास्ट है क्या मेरे से? ओके वो मेरे से ज्यादा फास्ट है, ये पॉइजन भी हो गया, नो यार नहीं ऐसा नहीं होना था। फ्लेम व्हील हम लोग फिर से मारते हैं, इसका गेंगार फेंटेड, अब उसका टोटल 1 पोकेमॉन बाकी है, और हम लोगों के पास भाई अपने मेन पॉकेट में सब मर चुके हैं। लेवल 38 पे गया इन्फिनिप पर, मैं स्विच करना होगा इन्फिनिप को, इस चैप्टर पे स्विच करके इन्फिनिप को हील करते हैं अच्छे से, उसके बाद मैं इसको निकालूंगा, बट कोई बात नहीं हम लोग अभी भी कर सकते हैं, अभी भी भाई चांसेस बन रहे हैं। ओके यहाँ पे इन्फिनिप को मैं यूज़ करता हूँ, ये सबसे सही में टफेस्ट मैच किया मेरे लिए। ओके इन्फिनिप, और यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, शिट भाई यहाँ पे इस वक्त इसको कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए था, मैं इसका 1-8 भाई कर सकता था, इतना मुझे बिलीव था अपने पॉकीमॉन पे,
एक और फ्लेम व्हील भाई, बस इन्फिनिट कमॉन, ये मूव बस यूज कर दे इन्फिनिट, हम लोग जीत जाएंगे। कमॉन इन्फिनिट, ओह नो इन्फिनिट नहीं यार, नहीं हम लोग फेंट हो सकते हैं। शिट इन्फिनिट फेंट हो गया यार, ये नहीं होना चाहिए था। मेरे पास एक रिवाइव है, क्या मैं रिवाइव यूज कर लूँ इसके ऊपर? क्या मैं रिवाइव यूज कर रहा हूँ? मुझे और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा यहाँ पे। अब अपना लास्ट पॉकेमॉन है अपने पास जो है यार लक्स रे, ये मेरे ख्याल से कन्फ्यूज से या फिर फैंटम फोर्स ही यूज करेगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो यहाँ पे मैं थीफ यूज कर सकता हूँ, देखते हैं भाई। कन्फ्यूज से या मेरे को लगा ही थी कन्फ्यूज से यूज करने वाली है। ठीक है यार, हम लोग अभी भी इसको डिफीट कर सकते हैं। कम ऑन लक्स रे, यू कैन डू इट। लक्स रे पे उम्मीद है मुझे, और उसने थीफ यूज कर दिया, नाइस। और वन हिट भाई, नाइस। ये वन हिट तो नहीं कहलाएगा, लेकिन या हमने डिफीट किया फाइनली इस जिम को। यार कितना टफ जिम था ये। कर सकते हैं, मैं थोड़ा नर्वस हूँ उसके लिए, बट ये हम लोग कर सकते हैं इससे। कम ऑन, ये रॉक टाइप नहीं, ग्राउंड टाइप और स्टील टाइप यूज कर सकता है। ओह दैट्स द ऑलबर्ग जिम बैच, आई सी, यू हैव डिफीटेड माय सन। अच्छा, जो रॉक है वो इसका बेटा है, ये थोड़ा टफ होने वाला फिर तो। ये थोड़ा टफ हो सकता है, ये कितना सही लग रहा है भाई, एनिमेशन बहुत स्मूथ है। तीन ही पॉकेमॉन है इसके पास एज यूजुअल, और ब्रॉन्ज और है भाई, नाइस। कम ऑन ब्रॉन्ज और, मुझे उम्मीद है मैं इसको वन हिट कर सकता हूँ। एक्चुअली वन हिट नहीं भी होगा फिर भी चलेगा, फिर भी हम इसको डिफीट कर देंगे। चलो मैं यूज़ करता हूँ फ्लेम व्हील अपना 41 पे, इन्फिनिट लग्जे भी अपना लेवल 38 या 39 पे है, और स्टारैप्टर भी 39 के आसपास ही है। वेट अ मिनट, व्हाट भाई, सब कुछ अभी भी यूज़ कर लेगा क्या? बट कोई बात नहीं, एक पॉकेमॉन गया उसका, दो पॉकेमॉन अभी भी बाकी है, एंड दो भाई कौन से होंगे कोई नहीं जानते हैं। चलो स्टीलिक्स के लिए हम लोग कोई और पॉकेमॉन यूज़ नहीं कर रहे। मैं गैडोस फेंटेड भरा हुआ है, मैं फिर भी जिम मैच करने आया था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेवकूफ़ी कर दिया भाई, फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं क्लोज कॉम्बैक्ट यूज़ कर लूँ क्या? मेरे को लग रहा है कर लेना चाहिए था मुझे। मैं फ्लेम व्हील पहले तो कर रहा हूँ, उसके बाद कोई और मूव यूज़ करेंगे। अर्थक्वेक, नो प्लीज़। एक एचपी पे सर्वाइव किया है भाई, नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए था। बट कोई नहीं, अपना इन्फिनिट फिर भी रह गया भाई, तालियां होनी चाहिए इन्फिनिट को इसके लिए। तो एक एचपी पे इसने सर्वाइव किया है। फ्लेम व्हील से एक तक कितना डैमेज होता है भाई, डैमेज हुआ इसको, बहुत डैमेज हुआ। बैटल को फेयर होना चाहिए। चलो यहाँ पे इन्फिनिट अर्थक्वेक, नहीं यार प्लीज़ नहीं, इस पर फेंट हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है भाई। प्लीज़ फेंट मत होइए इन्फिनिट, प्लीज़ इन्फिनिट फेंटेड यार। मेरे पास रोजेलिया है इसके लिए, तो इसको तो मैं डिफीट कर सकता हूँ, बट क्या दिखते हैं आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। यार ये सारे जिम बैटल इतने टफ क्यों होते हैं? कोई गंदा मूव नहीं प्लीज़। अर्थक्वेक से कितना डैमेज पड़ता है इसको, वो देखने वाली बात है भाई, ज़्यादा मत पड़ी हो बस। रोजेलिया फेंटेड भाई, क्या मतलब कुछ भी। अर्थक्वेक से देखो मैं ये मरेगा, बट ये स्टारैप्टर में अर्थक्वेक सह सकता है ना, राइट? स्टारैप्टर पर अर्थक्वेक कोई इफेक्ट ही नहीं करेगा। तो मैं इसको निकालता हूँ, एक हिट पे तो मर जाएगा ये स्टेलिक्स। बस मैं स्टारैप्टर फास्ट हो, लेवल 38 के स्टारैप्टर, उसके पास क्लोज कॉम्बैक्ट है, बट मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा, मैं क्विक अटैक ही अभी यूज़ करूँगा। चलो ये तो फेंट हो गया, अब उसका एक पॉकीमन और है। आई विश मेरे पास इन्फिनिट होता अभी भाई, वो कुछ भी कर सकता था अभी इस वक्त तो। बैस्टिडॉन आया है इसके पास, बैस्टिडॉन मैं इसको भी रखता हूँ भाई, मेरे पास और कोई अच्छा चॉइस है भी नहीं। यार थोड़ा डाउट है बैस्टिडॉन के सामने लग से क्या ही कर पाएगा। देखो मैं क्लोज कॉम्बैक्ट मार दूँ क्या इसके ऊपर? मैं क्लोज कॉम्बैक्ट मार रहा हूँ इसके ऊपर भाई, कुछ भी होगा देखा जाएगा। ओके फेंटेड, नहीं एक एचपी सर्वाइव है भाई, हम लोग जीत गए। स्टारैप्टर कितनी कमाल की पॉकीमॉन है, मतलब क्या हो रहा है यार, अपने सारे पॉकीमॉन भाई बेस्ट है। मेरे पास और भी पॉकीमॉन है जो बहुत ही अच्छे हैं। चलो कोई बात नहीं, साइट्रस पहले से तो हील कर ले जितने हील करने। स्टोन एज भाई फेंट ना होइए बस। शिट भाई, कोई बात नहीं, हम लोग इसको डिफीट कर सकते हैं भाई, और कुछ बचा नहीं हम लोग के पास। कम ऑन लग्स रे, आई एम काउंटिंग ऑन यू। लोग क्या फास्ट है? हम लोग फास्ट है। कम ऑन लग्स रे, यू कैन डू इट। शिट यार थोड़ा सा एक मूव ऑफ फ्लैश कैनन भाई, अपने लग्स रे भी सर्वाइव कर रहा है, ते बाइट से क्या होता है। नाइस, यस, हम लोग अपना 6 जिम मैच जीत चुके हैं, एंड वो भी इस एपिसोड में हम लोग 2 जिम मैचेस जीते हैं भाई। ये बहुत ही एपिक बात हुई है, ये सही बहुत ही एपिक बात हुई है। ये बहुत टफ था सही में, दोनों ही जिम मैच आज के बहुत ज़्यादा टफ थे। अब मैं नेक्स्ट जिम मैच लिए कम से कम 45-50 तो रखूँगा भाई, एंड हम लोग को अपना 6 मैच मिल चुका है। कैंडिस पास हम लोग पहुंच चुके हैं भाई, फाइनली। यस, पॉकेमॉन फैशन रोमांस इट्स ऑल अबाउट फोकस, आई विल शो यू जस्ट व्हाट आई मीन। कैंडिस को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है, ऐसा भाई मैं होने तो दूंगा नहीं। मैं कैंडिस को भाई इजीली डिफीट करूंगा, मेरे पास अच्छे खासे पॉकेमॉन्स है, उसके पास भी 4 पॉकेमॉन्स है, बट मेरा इन्फिनिट शायद से आगे होगा भाई। प्लीज इन्फिनिट भी आगे हुई हो, इन्फिनिट अगर आगे नहीं होगा फिर भाई प्रॉब्लम हो सकता था, बट नहीं इन्फिनिट भी आ गया। फ्लेम व्हील यूज करते कैंडिस के सामने, और कैंडिस खत्म में गया से ये मूव पे, ये बात भाई वन हिट हो गया ये तो। कि स्नीजल है, मैं फिर भी स्विच नहीं कर रहा, स्नीजल भी हम लोग क्या ही कर लेगा। डिग यूज करे, नो 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 नो,
भाई ये प्रॉब्लम हो सकता है, बट मेरे पास एक और स्ट्रैटेजी है डिक के लिए। लेट्स गो स्टारैप्टर एंड या ये स्ट्रैटेजी शायद से हम लोग के लिए काम आएगी मेरे ख्याल से तो। एंड स्नीजल के यहाँ पे डिक भाई काम नहीं किया, बहुत ही अच्छे यहाँ पे भाई क्लोज कॉम्बैक से यहाँ पे वन हिट हो गया स्नीजल, उसके हॉर्न क्लोज यहाँ पे उसके लिए कोई भी काम नहीं आए। एंड यहाँ पे मैं स्टारैप्टर को भी अभी स्विच कर लूंगा क्योंकि यार अब तो भाई करना ही पड़ेगा इसको भी स्विच। मेडीचाम ये यूज़ कर रही है तो मेडीचाम के लिए भाई मैं स्विच नहीं कर रहा हूँ, अपने स्टारैप्टर को मैं रखता हूँ क्योंकि ये भी फाइटिंग टाइप की पॉकीमॉन है मेडीचाम। एंड या हम लोग यूज़ करते हैं अब एरियल एस, यप लेट्स गो एरियल एस हम लोग यूज़ करते हैं, शायद से ये भी हॉनेट करते भाई इतना ईजी जिम हो गया ये तो। अब इसका एक लास्ट पॉकीमॉन बचा हुआ है, लेट्स सी वो पॉकीमॉन कौन सा होता है। मेरे ख्याल से भी एवोमस नो ये यूज़ करती है एंड या ये उसी को यूज़ कर रही है, तो आप इन्फिनिप को निकालता हूँ। इन्फिनिप से ये भी 4 times weak है, इन्फिनिप का एक फ्लेम व्हील और आई होप ये फिनिश हो जाए, आई होप, बट या भाई हो गया। इस बार तो यार सारे पॉकी अपने बिल्कुल पीक फॉर्म में थे। बैचेस जीतना ये एक्चुअली मुश्किल है, बट या कोई बात नहीं, आई एम वॉकनर द जिम लीडर, पता है यार बैटल कर लेना फटाफट। ओके लेट्स सी ये बैटल कितना ज्यादा फन बनता है एंड हम लोग वॉकनर को कितने अच्छे से आप चैलेंज कर पाते हैं ये भी देखने वाली बात है। इसके पास 4 पॉकीमॉन है, अपने पास 6 है, बट या इसके पॉकीमॉन एक्चुअली आप स्ट्रांग होने वाले है। राइचू इसका फर्स्ट पॉकीमॉन है यार, कम ऑन। राइचू को भी मैंने पहले भी जिम के अंदर डिफीट किया था, बट रोजेरिट के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं यहाँ पर ग्रास नॉट यूज करता हूँ इसके सामने। राइचू का वेट मेरे ख्याल से अच्छा खासा होता है। डूड वोल्ट स्विच यूज कर रहा है ये, कम ऑन। ओके वोल्ट स्विच यूज करके अभी किसको निकालेगा वो सबसे मेन चीज है, देखने वाली चीज है। एम्बी पॉम आ रहा है, एम्बी पॉम के लिए तो मैं भी स्विच कर सकता था यार, मुझे यहाँ पे जान लेना चाहिए था ये ऐसे करने वाला है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग क्लोज कमबैक से मे बी इसकी जो एचपी है वो कम कर सकते हैं भाई, इसको हम लोग फेंट कर देंगे क्लोज कमबैक से, ये बात ना। उसका एम्बी पॉम तो गया, लेकिन अब देखते हैं उसका नेक्स्ट पॉकीमॉन कौन सा आता है। अब इसका नेक्स्ट पॉकीमॉन फिर से राइचू, तो हम लोग फिर से स्विच करते हैं। एंड मैं रोजरेड कहाँ पे, ये रहना रोजरेड, बस ये वोल्ट स्विच वापस यूज ना करे यार, मैं बस यही प्रे कर रहा था ये वोल्ट स्विच यूज ना करे, एंड इसने वोल्ट स्विच एक्चुअली यूज कर लिया यार, कम ऑन। अब इसका नेक्स्ट पॉकीमॉन भाई देखने वाली बात है कौन आता है। ऑक्टिलरी, ओके शायद सी फेंट भी हो सकते हैं भाई, मेरे पास एडवांटेज है भाई, कम ऑन ग्रास नॉट काम कर जाइए, बस यहाँ पे फेंट हो गई है, बहुत अच्छी बात है यार। इतने यहाँ पे वेरिएशन रख रहा है वर्क ने अपनी टीम के अंदर, यहाँ पे ऑक्टिलरी को निकाल रहे हैं इस जिम के अंदर, डूड कम ऑन। अपने पॉकेट में भाई अच्छे खासे लेवल अप हो रहे हैं अभी फिलहाल तो। ओके राइचू के लिए मैं फिर से यूज करता हूँ ग्रास नॉट, ये फिर से वोल्ट स्विच भाई, फिर से वोल्ट स्विच, डूड कम ऑन भाई, ये कितने बार वोल्ट स्विच यूज करेगा यार, ये किस पे स्विच करेगा, लक्ष्य पे स्विच करे। ओके लक्ष्य इसका मेन पॉकीमॉन है, इस पॉकीमॉन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, लेवल 49 का लक्ष्य। आइस फैंग, डूड हम लोग गए, हम लोग गए। रोजेड फेंटेड, लगा ही था यार, आइस फैंग से तो ये होना ही है यार। एक एचपी में सर्वाइव कर गया, थंडर फैंग, ओके यार थंडर फैंग से बहुत डैमेज हुआ एक्चुअली। एक और मार्क पंच यूज करते हैं एंड ये फुल स्टोर यूज कर लिया भाई, लगा ही था मुझे ऐसा। ओके इन्फिनिप का क्लोज कॉम्बैक्ट एंड भाई ये गया, बहुत अच्छी बात है। लक्ष्य फेंटेड मतलब इसका एस पॉकीमॉन जा चुका है, अब इसके पास राइचू है जिसको मुझे उम्मीद है मैं लक्ष्य या फिर मैं इन्फिनिप दोनों में से कोई भाई फेंट कर ही देगा उसको भी। यार राइचू को मैं देख लिया ऑलरेडी, ये अब तो वोल्ट स्विच यूज नहीं कर सकता है, सर्फ यूज कर रहा है भाई। ओके यार हम लोग गए मेरे ख्याल से, इन्फिनिप फेंटेड। अब ये देखो इलेक्ट्रो टाइप जिम है तो अपना इलेक्ट्रो टाइप पॉकीमॉन इसको फाइनल क्लैश फाइनल नॉकआउट करे, उसमें ज्यादा मजा आएगा हम लोग को भी। ये 22 से भाई ऑलमोस्ट फेंट है, कम ऑन हम लोग डिफीट कर सकते इसको भी। यार यहाँ पे बहुत ही एपिक मैच चल रहा है हम लोगों का, एक 22 से भाई ये खत्म हो जाएगा, बट ये फुल हाइपर पोशन यार, लगा ही था यार ये होने ही वाला है भाई, बस लग से फेंट मत हो जाइए बस, कम ऑन फेंट नहीं, बहुत अच्छे। मेरे ख्याल से हम लोगों ने ये जिम मैच जीत लिया भाई, ये मूव पे डिपेंड करते हैं। एंड या खत्म, नाइस हमने जीत लिया अपने 8 gym badge। अब हम लोग पॉकीमॉन लीग को चैलेंज कर सकते हैं भाई, यार बहुत एपिक चीज़ हुआ हम लोगों के साथ ये। अभी तो ये मैच बहुत टफ था, वॉकनर के पॉकीमॉन के पास ना मूव्स में बहुत वेरिएशन है। ये थे अपने 8 gym के बेस्ट पॉकीमॉन्स जो मुझे अपने अकॉर्डिंग लगे। एंड या मैंने इसमें से बहुत सारे पॉकीमॉन्स को एनालाइज किए, इसमें से किस पॉकीमॉन ने किसको डिफीट किया था एंड किस पॉकीमॉन ने कितनी एचपी ऑपोजिंग पॉकीमॉन की कम की थी, मैंने इस बेसिस पे यहाँ पे ये किया था। एंड साथ ही साथ कौन से पॉकीमॉन किस पे कितना इम्पैक्ट डाल पाया, देन या ये भी एक मेजर बेसिस था। बाय द वे तुम लोग लाइक कर दो वीडियो को क्योंकि अब हम लोग चैंपियन को डिफीट करने वाले बहुत जल्द। एंड या अगर तुम लोग चैंपियन हो देन सब्सक्राइब कर दो बिकॉज अभी हम लोग की जर्नी खत्म नहीं हुई है, एक बहुत लंबी जर्नी हम लोग की बाकी भी है पॉकीमॉन डायमंड के अंदर, क्योंकि चैंपियन को डिफीट करने के बाद हम लेजेंडरी पॉकीमॉन की हंटिंग शुरू करेंगे जो यार उसके अंदर लेजेंड बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो यार अब मैं मिलता हूं तुम लोगों को अगले वीडियो में, बाय बाय।